तो दोस्तों वेलकम बैक इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन एंड रिलेटेड दोस्तों क्या होती है और इसके रिगार्डिंग जितनी भी थियोरीज है, हैं देखिये मेरी बात समझे सॉरी स्पेशलाइजेशन नहीं सोशलाइजेशन ठीक है सोशलाइजेशन मेरे पास समझे इससे पहले हमने थ्योरी पढ़ी थी

सिंपल सा मतलब है दोस्तों सोशलाइजेशन देखो सोशलाइजेशन जहां पे भी आपको आ, ये वर्ड जि, जिसके वर्ड के ये पीछे लगा हो ना टी आई ओ एन टी ओ का मतलब क्या दोस्तों एक प्रोसेस क्या होता है प्रोसेस ठीक है प्रोसेस अब यहां पे भी सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है प्रोसेस ऑफ व्हाट किस चीज का प्रोसेस है भाई प्रोसेस है टू बीइंग सोशलाइज्ड टू बिकम सोशल देखो एक बच्चे का जन्म होता भाई ये बच्चा जन्म होते ही समाज के तौर तरीके नहीं सीख लेता उसको नहीं पता कैसे बैठना है कैसे उठना है ठीक है क्या नॉर्म्स हैं क्या वैल्यूज है पता है नहीं पता है। इसको इसको कैसे पता लगता है विद टाइम ये सीखता है दुनिया से देखता है अपने पेरेंट्स को देखता है माँ बाप को देखता है पेयर ग्रुप को देखता है स्कूल में जाता है बातें सीखता है और जैसे समाज में वो रहता है वो सारी की सारी बातें सीखता है तो उसकी सोशलाइजेशन होती है दोस्तों इस प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग सोशल प्रोसेस ऑफ बिकमिंग सोशल बींग फ्रॉम अ बायोलॉजिकल बींग जब एक बच्चा पैदा होता है वो सिर्फ बायोलॉजिकल बींग है ठीक है तब वो सोशल एनिमल नहीं है एरिस्टोटल ने बोला ना मैन इज सोशल एनिमल क्या इंसान जन्म से ही सोशल एनिमल हो जाता ना ये समाज की जो बातें हैं वो जो फीचर्स है उसको सीखता है और सीखने के बाद वो सोशल बनता है दोस्तों यही हमने पढ़ना है सोशलाइजेशन में वेरी सिंपल सा मतलब है दोस्तों ये प्रोसेस है क्या है एक प्रोसेस है देखते हैं इन सोशोलॉजी वेट इन सोशोलॉजी सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस क्या किसका चीज का प्रोसेस है मोल्डिंग का बनाने का शेपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ एन ह्यूमन एक इंसान को बनाने का, शेप करने का उसकी दोस्तों, सीखता भी है सिखाता भी है ठीक है तो ये सोशलाइजेशन में दोनों ही चीजें होती हैं एंड दीन्स बाई विच सोशल एंड कल्चरल खाना खाते हो जैसा उठते बैठते हो जैसा आपका पहनावा है वो आपने कैसे सीखा आप अपने पेरेंट से सीखते हैं आप अपने आस पास के एनवायरमेंट से सीखते हैं तो आपका सोशलाइजेशन हुई है ना तो कल्चर क्या way of living. तो way of living जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है इसी को सोशलाइजेशन भी मतलब जिंदगी जीने का तरीका कपड़े का तरीका खान पान का तरीका बोलने का तरीका ठीक लर्न द रूल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल ग्रुप जिस ग्रुप में आप रहते हो जिस समाज में आप रहते हो हिंदू समाज मुस्लिम समाज या फिर कास्ट बेस्ड समाज तो आप उसके तौर तरीकों के साथ चलते हैं और आप सीखते हैं टू विच है, मैं किस तरीके से बिहेव करता हूं मैं कैसी लैंग्वेज बोलता हूँ ठीक है मेरा उठना बैठना तो ये इंसान जब पैदा होता है तो तब नहीं होता यह रेडीमेड नहीं होता है दिस इज अ प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म चाइल्ड इंटू ए रीजनेबल रिस्पेक्टेबल ह्यूमन बींग

रूल्स क्या हमारी सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारी सोसाइटी का ये नॉर्म है कि हाँ भी कोई लड़ाई झगड़ा ना करे बड़ों का रिस्पेक्ट करे छोटों के साथ प्यार करे ये नॉर्म्स है तो आपने कैसे सीखा आपने सोसाइटी से सीखा और इस सीखने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सोशलाइजेशन बोलते हैं नेक्स्ट हैरी एम जॉनसन बोलते हैं सोशलाइजेशन इज द लर्निंग एक लर्निंग प्रोसेस है दैट एनेबल्स द लर्नर टू परफॉर्म सोशल रोल समाज में जो इसका रोल है उसको ये सीखता है और इस सीखने को सोशलाइजेशन बोलते हैं ही फर्दर सेड दैट इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच इंडिविजुअल एक्वायर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कल्चर ऑफ द ग्रुप दे केम इनटू जिस ग्रुप में वो पैदा हुआ जिस ग्रुप में वो आया है उसके जो नॉर्म्स हैं उसका जो कल्चर है वो सीखता है एक बच्चा इसको हम सोशलाइजेशन बोलते हैं वेरी सिंपल वेरी सिंपल दोस्तों नाउ अब हम देखेंगे सोशलाइजेशन के फंक्शंस है? क्या हैं दोस्तों सोशलाइजेशन से क्या-क्या होता है क्या क्या होता है सोशलाइज सोशलाइजेशन से बड़ी सारी चीजें होती हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए सोशलाइजेशन से आप पहला नंबर वन तो सोशल बन जाते हो ठीक है बायोलॉजिकल बींग से सोशल बींग बनते हो दूसरा आप देखेंगे सोसाइटी के कल्चर सीखते हो एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन क्रिएट होता है सोशलाइजेशन तो हुआ बच्चों को बोल रहा ना शरारत कर रहा बच्चे शरारत मत कर मेरे बात समझ रहे हैं मंदिर गुरुद्वारे चर्च में जाके बैठेगा ये शोर कर रहा बच्चा उसको बोलेंगे चुप कर चुप कर ये काम नहीं करना इधर तो ये बच्चा सीखता है इसको पता लगता है नहीं यार ये मंदिर में गुरुद्वारे में मस्जिद में शोर शराबा नहीं करना है तो वो नहीं करेगा दोस्तों ठीक है फॉर एग्जाम्पल शादी में जाके भंगड़ा डालना ये इस बच्चे को पता ये भी सोशलाइजेशन है और वहीं किसी की मरगत पे जाके कोई मर गया है उसके ऊपर जाएगा तो वहाँ पे शांत रहना है वहाँ पे हंसना नहीं है तो ये कहाँ से सीखे ये जो नॉर्म्स है ये बिहेवियर कहाँ से आया ये सोशलाइजेशन से आया इसीलिए तो सोशलाइजेशन इंपॉर्टेंट है बात समझ रहे फंक्शन ऑफ सोशलाइजेशन पहला फंक्शन है दोस्तों सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑफकोर्स लर्न तो कर रहा है बंदा और क्या हो रहा है लर्निंग तो हो रही है चलो जी सोशलाइजेशन इज नॉट ओनली अ टर्म बट ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग प्रोसेस है पूरा का पूरा ऑफ इंडिविजुअल हाउ टू कंडक्ट देयर लाइफ मोरल्स एंड वैल्यूज सीखता है बंदा मोरल सीखता है वैल्यू सीखता है क्या ठीक है क्या गलत है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सब बातें दूसरा कन्वर्ट इंडिविजुअल फ्रॉम बायोलॉजिकल बींग टू सोशल बींग बायोलॉजिकल बींग का मतलब ये सिर्फ एक जीवित प्राणी है कुत्ता भी जीवित है ठीक है घोड़ा भी जीवित है बकरा भी जीवित है वो भी ऑर्गेनिज्म ही है वो भी एनिमल ही है बट वो सोशल नहीं है इंसान को सोशल बनाता है इसके जो फीचर्स हैं ठीक है जो ये सीखता है अपनी सोसाइटी से तो वो ही बोलता है, बन जाता है. है? आगे इंडिविजुअलिटी डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों एक बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट डिपेंड करती है उसकी सोशलाइजेशन पे उसकी अपब्रिंगिंग पे जो अपब्रिंगिंग है जो हम पालन पोषण बोलते हैं वो सोशलाइजेशन ही तो है बड़ी सिंपल सी बात है यार फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा है स्पोस जिसके घर में इंग्लिश बोलते हैं लोग

तो उसको इनहेरिटेड नहीं है सेल्फ सेल्फ का मतलब है मुझ में जो फीचर्स हैं ये जब मैं पैदा हुआ तब नहीं थे मुझ में फीचर्स इनहेरिटेड कुछ नहीं होता है कि भई हाँ बट सीखता है बंदा ठीक है जी बट एक्वायर्ड है सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग खुद ब खुद नहीं आता हम एक्वायर करते हैं ठीक है फ्रॉम द सोसाइटी बाय इंडिविजुअल एक बंदा सीखेगा सोसाइटी से

एंड कंडक्ट टू इंडल एंड शो दू लिव इन सोसाइटी किस तरीके से समाज में रहना है वो डिसिप्लिन एक बंदे में भरता है दोस्तों अगला है इट टीचिज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोस्तों सोशलाइजेशन ही एक प्रोसेस है जिससे हमें अपनी ड्यूटीज और हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता लगती है ठीक है जी

आप देखेंगे हमारी और हमारी skill होती है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है example, आप समझ लें एक बच्चा है जिसके माँ बाप कह सको आपके बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है आई एस ऑफिसर है बट उसको बचपन से आप एक काम करो एक ऐसे इलाके में छोड़ दो जहां पे लोग कम पढ़े लिखे हैं नहीं जानते या किसान है खेती करने का कर काम करते हैं तो आप देखेंगे मे बी ये उनका बेटा है लेकिन वो उतनी इंटेलिजेंसी नहीं निकलेगी उधर क्योंकि इट्स ऑल अबाउट सोशलाइजेशन ठीक है बोलते हैं ना सोसाइटी सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए ऐसे बोलते हैं अच्छी सोसाइटी होनी चाहिए अच्छी सोसाइटी होगी अच्छी, अच्छी बातें सीखेगा तो वही बात है यहाँ पे सोशलाइजेशन का प्रोसेस सोशल ऑर्डर बनाने में दोस्तों मदद करता है ऑफ कोर्स भाई जब अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हो आप ये किस लिए सिखाई जा रही हैं इसीलिए सिखाई जा रही है कि सोशल ऑर्डर बने आप क्लास में बैठ के बातें नहीं करते ठीक है मंदिर में जाके आप वहां पे शोर शराबा नहीं करते नहीं ना करते सोशल ऑर्डर मेंटेन होता है ठीक है आपको ये पता है कि हाँ भाई आप जा रहे हो रोड से जा रहे हो तो रोड के बीचों बीच नहीं, नहीं चलोगे साइड में चलोगे आपको पता है नहीं भाई रोड को मैं ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता मेरी ड्यूटीज हैं कुछ ठीक है तो आपका सोशल ऑर्डर भी बनता है इट ब्रिंग सोशल कंट्रोल स्टेबिलिटी इन सोशल ऑर्डर एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर दोस्तों ऑफ कोर्स से ट्रांसमिट तो होगा ठीक है आपका कल्चर कल्चर का मतलब वे ऑफ लिविंग आप जो खाते हो आप जो पीते हो आपके बाद वो अगली जनरेशन को पास ऑन हो जाएगा ठीक है वो कैसे होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों ठीक है जी सोशलाइजेशन इज अ ब्रिज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर फ्रॉम आर जनरेशन टू द नेक्स्ट हमने देखा सोशलाइजेशन क्या होता है दोस्तों सोशलाइजेशन के बाद देखा हमने फंक्शन क्या है फंक्शन इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं करेक्टरिस्टिक आप ठीक है नाओ अगला हमने जो चीज पढ़नी है वो है हमारे पास एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन दोस्तों एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन का मतलब समझना वो सारे के सारे जरिए जिससे सोशलाइजेशन होती है वो सारे के सारे जरिए जिससे सोशलाइजेशन होती है ठीक है फॉर एग्जांपल जो लोग हेल्पफुल हैं सोशलाइजेशन के प्रोसेस में उनको बोलेंगे एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन दोस्तों जिनसे आप सीखते हो सबसे बड़ी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन है दोस्तों फैमिली एक बच्चा सबसे पहली बातें अपनी जिंदगी की जो सीखता है सबसे बड़े सबक जो सीखता है वो अपनी फैमिली से सीखता है दोस्तों ठीक है बेसिक जो उसकी बुनियादी ढांचा जो है ना उसका फाउंडेशन जो बिल्डअप होता है दोस्तों वो उसकी फैमिली से होता है पहली एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन दूसरी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर पेयर ग्रुप दोस्तों जब एक बच्चा पहले तो फैमिली में रहेगा एक साल दो साल तीन साल देन वो जब थोड़ा बड़ा होगा आसपास के मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलना शुरू करेगा दोस्तों मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलना शुरू करेगा वो उसके जो एज मीट होंगे वो उसका पेयर ग्रुप होगा वो स्कूल में हो सकता है मोहल्ले में हो सकता है दोस्तों उनसे भी कई बातें सीखता है दोस्तों उनसे भी कई अच्छी बातें भी सीख सकता है कई बुरी बातें भी सीख सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दोस्तों स्कूल में जाता है एक बच्चा स्कूल में जाने के बाद भी वहां पे बड़ी सारी बातें सीखता है दोस्तों ठीक है फॉर एग्जाम्पल के लिए डिसिप्लिन सीखता है ठीक है घर पे में भी ये बच्चा इनडिसिप्लिन हो लेकिन स्कूल में जाके बड़ा डिसिप्लिन आपने कई बच्चे ऐसे देखे होंगे जो घर पे इतने ज़्यादा शरारती इतने ज़्यादा शरारती और स्कूल में जाके बोलते ही कुछ नहीं ठीक है वो कैसे हुआ क्यों वहां पे उसको एनवायरमेंट अलग हो गया और वहां पे वो कुछ चीज़ सीखेगा इसके बाद में आप देखेंगे आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ठीक है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन यानी कि चर्च में आप जाते हैं मस्जिद में आप जाते हैं मंदिर में आप जाते हैं तो वहां पर भी कुछ चीज़ें आप सीखते हैं

फैमिली प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी फॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी एक बच्चा क्या बनता है ये पहले ही डिसाइड हो जाता है पहले के कुछ सालों में उसकी फैमिली के हिसाब से बाय द टाइम अदर टू दिस प्रोसेस जब एंट्रीब्यूटा होकर वो बाकी एजेंसी में एंटर करता है फैमिली हैज ऑलरेडी लेफ्ट एंड इम्प्रिट ऑन पर्सनैलिटी दोस्तों ऑलरेडी फैमिली का जो छवि है फैमिली का जो इंप्रेशन है उसके ऊपर होता है दोस्तों द पेरेंट यूज बोथ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टू इज़ सोशली रिक्वायर्ड फ्रॉम ए चिल्ड्रन या फॉर ए चिल्ड्रन ठीक है हम पेरेंट्स सिखाते हैं द हैज इनफॉर्मल कंट्रोल ओवर इट्स मेंबर दोस्तों समझना थोड़ा सा इनफॉर्मल कंट्रोल इनफॉर्मल कंट्रोल भाई एज सच कोई लिखे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है जो हमें फॉलो कर रहे हैं बोलते हैं इनफॉर्मल कंट्रोल फॉर एग्जाम्पल स्कूल में स्कूल में आपका प्रॉपर है डिसिप्लिन जा, में जाना है वर्दी डाल के जानी है प्रॉपर आपको बुक्स लेके जानी है होमवर्क लेके जाना आपको बातें नहीं करनी है, तो वो फॉर्मल कंट्रोल है कहीं ना कहीं ठीक है बट फैमिली जो है इनफॉर्मल कंट्रोल होती है फैमिली बींग मिनी सोसाइटी एक्ट एस ट्रांसमिशन बेल्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इट ट्रेन द यंगर जनरेशन इन सच ए वे दैट इट कैन टेक द एडल्ट रोल इन प्रॉपर तो ये सब चीजें बंदा फैमिली से ही सीखता है पहले दोस्तों दूसरा है हमारा पेयर ग्रुप पेयर ग्रुप का मतलब दोस्तों वो बच्चे होंगे जो सेम एज के सेम सेक्स के

ठीक है द ग्रोइंग चाइल्ड लर्न सम वेरी इंपॉर्टेंट लेसन हिस पेयर ग्रुप अपने साथियों से अपने यारों दोस्तों से ये बड़ी सारी इंपॉर्टेंट बातों को सीखता है ठीक है बिल्कुल सीखता जी सिंस मेंबर्स ऑफ द पेयर ग्रुप आर एट द सेम स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन दे फील फ्रीली एंड स्पॉन्टेनियसली इंटरेक्ट विद ईच अदर बोल रहा खुले तरीके से आजादी के साथ एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत सारी चीजें वो सीखते हैं एक बहुत अच्छा बच्चा बुरी बुरी बातें भी सीख सकता है बुरा बच्चा अच्छी अच्छी बातें भी सीख सकता है देखो अच्छा बुरा नहीं होता बच्चे शैतान होते हैं वो हम बात कर रहे हैं ठीक है? बच्चे तो सारे अच्छे होते हैं द पेयर ग्रुप सरपासिस द पेरेंटल इन्फ्लुएंसेस एज टाइम गोज ऑन अभी बताता हूं दिस सीम्स टू बी एन इनएविटेबल अकरेंस इन रैपिडली चेंजिंग सोसाइटी वेरी इंपॉर्टेंट देखना दोस्तों क्या बोल रहे पेयर ग्रुप सरपासिस द पेरेंटल इन्फ्लुएंस पर जो हमारे पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस होता ना हमारे ऊपर जो उन्होंने हमें सिखाया होता है जो उनकी गाइडेंस होती है ना पेयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा हो जाता है दोस्तों उनसे ज्यादा हो जाता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपने कई फैमिलीज ऐसे देखी माँ बाप बहुत शरीफ लेकिन ये बच्चा बहुत नाटी बहुत रोज इसके क्या आ रही हैं कंप्लेन आ रही हैं स्कूल से मोहल्ले से ठीक है वो कैसा ऐसा हो गया दोस्तों पेयर ग्रुप्स उसके दोस्त यार उसको ऐसे मिले ठीक है चले अगला है रिलीजन दोस्तों रिलीजन भी बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सोशलाइजेशन में क्योंकि आप जब मंदिर मस्जिद में जाओगे ना तब उधर भी आप बड़े सारी चीजें सीखते हैं ठीक है वहां पे भी आप फॉर एग्जांपल भगवान के बारे में सीखते हैं अपने धर्म से जुड़े हुए रिलीजियस ट्रेडिशन रिचुअल्स सेक्रीफाइजिस कस्टम्स इनके बारे में सीखते हैं ठीक है इवन कि आप वहां पे हेवन और हल के बारे में सीखते हो Heaven और हेल के बारे में सीखते हैं और जब हैवन और हेल का कॉन्सेप्ट आता है स्वर्ग नर्क का कॉन्सेप्ट आता है ठीक है जन्नत या का कॉन्सेप्ट आता है तो कहीं ना कहीं हम क्या होते हैं कंट्रोल करते हैं अपने आप को बोलते हैं नहीं यार तो सोशलाइजेशन की एजेंसी की है रिलीजन रिलीजन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन रिलीजन इनस्टिल्स भरता है एक बंदे में द फेयर ऑफ हेल ऑफ द इंडिविजुअल सो दैट ही शुड रेफरिंग बचे फ्रॉम द बैड एंड अनडिजायरेबल एक्टिविटीज रिलीजन नॉट ओनली मेक पीपल रिलीजियस नहीं बनाता बल्कि उनको सोशलाइज करता है इन टू सेक्यूलर ऑर्डर सेक्यूलर ऑर्डर का मतलब यह है कि जब वो ये बातें सीखता है स्वर्ग नर की बात करता है तो कहीं कही ना कहीं वो अच्छा इंसान बनता है ना उसकी प्रॉपर सोशलाइजेशन होती है ना बिल्कुल होती है कि भाई नहीं ये काम नहीं करना, ये करना है ये करना है बिकॉज भगवान हमसे ये काम करें यह काम कर दिएगा तो बेड़ा घर को हो जाएगा समझे चलो जी आगे चलते है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ कोर्स जब आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एनरोल होते हो तो आप वहाँ पर बड़ी सारी बातें सीखते हैं आप भी आपने जब स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपने बड़ी सारी बातें सीखी होंगी फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके घर में वो सारी चीजें आप नहीं जानते होंगे बट आप अपने यारों दोस्तों के साथ बैठ के सारी बातें वो जान रहे हो उनके साथ शेयर भी कर रहे हो ठीक है मे बी ऐसा भी हो सकता है कई ऐसे फूड्स भी हैं जो आप घर पे नहीं खाते लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ में खा रहे हो

इन विच कल्चर फॉर्मली ट्रांसमिटेड एंड अक्वाच साइंस आर्ट ऑन एंड अदर स्किल्स गोज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट ये सारी चीजें बंद सीखता है दोस्तों साइंस के बारे में सीखता है हमने बोला डिफरेंट आर्ट सीखता है पेंटिंग सीखता है म्यूजिक सीखता है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो है बिल्कुल है नेक्स्ट अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया अच्छा यही पॉइंटल इंस्टीट्यूशन नॉट ऑनलीर्निंग लैंग्वेज ट बट ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम डिसिप्लिन टीम वर्क कॉपरेशन एंड कॉम्पिटिशन वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों अब ये भी आप डिसिप्लिन भी सीखते हैं पंचुअलिटी भी तो सीखते हैं नहीं आपको पता टाइम से ही जाना स्कूल यार पनिशमेंट मिल जाएगी ठीक है तो ये सारी चीजें भी सीखते हैं कॉम्पिटिशन सीखते हैं किस तरीके से मुझे हाँ भाई इस किस नंबर ज्यादा आ रहे मेरे नंबर ज्यादा आने चाहिए तो ये सारी बातें भी हम सीखते हैं एजुकेशन से ठीक है जी आक्यूपेशन आपका कामकाज दोस्तों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से निकलने के बाद जिस काम काज में आप लगते हो वहाँ पे आप कई सारी चीज़ों को सीखते हो वहाँ पे कई सारी चीज़ों को सीखते हो सीखने का मतलब सोशलाइजेशन वेरी सिंपल ठीक है फॉर so एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको जब मैं नहीं काम करता था ठीक है नहीं करता था तो मेरे को नहीं पता था ऑनलाइन दुनिया का नहीं पता था बट आज मैं कर रहा हूं जब मैंने काम किया उनके साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अपने ऑक्यूपेशन में आया मैं वहाँ पर बड़ी सारी चीजें सीखी जो मुझे नहीं भी आता था मैंने वो भी सीखा तो गेम तो सोशलाइजेशन है इन ऑक्यूपेशनल वर्ल्ड द इंडिविजुअल फाइनस विद न्यू शेयर्ड इंटरेस्ट होते हैं और उसके गोल्स ही मेक्स एडजस्टमेंट विद द पोजिशन ही होल्ड्स ऑफ कोर्स एडजस्टमेंट करता है ठीक है

स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क द सेम टाइम लर्न द नेचर ऑफ क्लास डिवीजन डिवीजन क्लास क्लास मतलब आपका डिफरेंट क्लासेस में अपर लोअर क्लास मिडिल क्लास और काम भी डिवाइडेड हो जाता है ठीक है जी वर्क फॉर हिम इज अ सोर्स ऑफ इनकम बट एट द सेम टाइम ही गिव्स आइडेंटिटी एंड स्टेटस विद इन सोसाइटी एज ए होल तो ऑक्यूपेशन हमारा जो स्टेटस होता है वो हमें एक स्टेटस होता है फॉर एग्जाम्पल उससे को पूछता है आप क्या करते हो तो मैं टीचर हूं ठीक है तो वो मेरी आइडेंटिटी बन जाती है ठीक है तो ये ऑक्यूपेशन ये भी एक आपकी एजेंसी है, आप है।, मतलब है आपका सोशल मीडिया है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है आपका प्रेस है ठीक है जी चलो जी जैसे कि टेलीविजन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ये भी तो इंफॉर्मेशन पास करते हैं मैसेजेस विच इन्फ्लुएंस द दर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू ग्रेट एक्सटेंड समझ गए चलो जी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे दोस्तों इनको हो गया जी अब ये थी हमारी क्या एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम और इसी में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन देखो दोस्तों आप जिंदगी के डिफरेंट फेस में जाके डिफरेंट तरीके की सोशलाइजेशन को सीखते हो जिंदगी के डिफरेंट फेस नंबर वन आप होते हो अपनी फैमिली में नंबर वन कहां पे होते हो आप अपनी फैमिली में होते हो दोस्तों अब फैमिली में होते हो तो आपकी एक सोशलाइजेशन होती है ठीक है जी प्राइमरी सोशलाइजेशन दूसरी आप देखेंगे एंटीसिपेटरी एंटीसिपेट करना एंटीसिपेट करना मतलब आने वाले टाइम में मैं कुछ बनने वाला हूं उस रिगार्डिंग भी मेरी सोशलाइजेशन होती है मतलब कहने का ये फॉर एग्जाम्पल के लिए इफ आई इफ आई हैव टू ज्वाइन आर्मी Post. मैं छोटा हूं मुझे आर्मी को ज्वाइन करना अब आर्मी को ज्वाइन करना मैं कर रहा हूं। आर्मी को ज्वाइन करना है मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूंगा मैं वो सारा काम सीखना स्टार्ट करूंगा जो एक आर्मी पर्सन की क्वालिटीज होती है फॉर एग्जाम्पल मैं फिजिकल स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करूंगा जैसे मेरे को बचपन में पता लग गया था कि मेरे को टीचर बनना ठीक है जी जब मैं अपनी क्लास में था अपने कॉलेज में था मेरे को पता लग गया था और मैंने अपने डिसाइड कर लिया टीचर बनूंगा अब जब मेरे को पता था टीचर है तो मैं वहां पे टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया था मुझे मैं देखना शुरू कर गया था कि टीचर की क्या इंपॉर्टेंस है टीचर को कैसे बढ़ाना चाहिए वो सारी चीजें सीखना शुरू कर गया था। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन आप हो नहीं अभी बनने वाले हो उसके लिए भी सोशलाइजेशन डेवलपमेंट सोशलाइजेशन एंड री सोशलाइजेशन अभी देखते हैं क्या दोस्तों अभी चलते हैं दोस्तों प्राइमरी सोशल पहली पहली दर्जे की सोशलाइजेशन ठीक है चलो जी पहले कुछ सालों में जो सोशलाइजेशन होती है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन है इट इज अ प्रोसेस बाय विच इन्फेंट एक छोटा बच्चा एक साल दो साल तीन साल का बच्चा लर्न लैंग्वेज ठीक है कॉग्निटिव स्किल मतलब दिमागी स्किल्स इंटरनालाइज नॉम्स एंड वैल्यूज द इन फैंड लर्न द वे मोल्डेड इन टू इफेक्टिव सोशल पार्टिसिपेंट ऑफ दैट ग्रुप इसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है मोल्ड हो जाता है वो सब चीजों में जो इसका समाज करता है दोस्तों द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी बिकम्स पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल जो हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स हैं जो हमारे सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन है वो मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट बनता है अर्ली डेज ऑफ माई लाइफ

ग्रोइंग चाइल्ड very वेरी lessons in इन सोशल कंडक्ट फ्रॉम peers, अपने यार दोस्त ठीक है उनसे सीखता है स्कूल स्कूल school. School भी दोस्तों सेकेंडरी सोशलाइजेशन है एंड सोशलाइजेशन continues बियॉन्ड एंड आउटसाइड द फैमिली environment. तो आपको एक सवाल अगर पूछे क्या सोशलाइजेशन सिर्फ फैमिली में ही होती है आप बोलेंगे नहीं फैमिली के बाहर भी क्या सोशलाइजेशन किसी टाइम पर रुक जाती है नहीं दोस्तों मरते दम तक सोशलाइजेशन होती है ये रुकने वाला प्रोसेस ही नहीं है ठीक है यूनिवर्सल प्रोसेस है नेवर एंडिंग प्रोसेस है आगे सेकेंडरी सोशलाइजेशन जनरली रेफर टू द सोशल ट्रेनिंग रिसीव बाय द चाइल्ड इन द इंस्टीट्यूशनल और फॉर्मल सेटिंग्स थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द लाइफ चलता रहेगा दोस्तों सिंपल अगला दोस्तों एडल्ट सोशलाइजेशन जब बच्चा ये बड़ा हो जाता है तभी भी इसकी कोई सोशलाइजेशन होगी इन द एडल्ट दोशलाइजेशन एक्टर्स एंटर द रूल्स बिकमिंग एन एम्प्लॉय A husband wife for which a primary and secondary socialization may not have prepared them fully. Adult socialization teaches people to take new duties. So, so, jab ek bandha adult. Bandha

कॉन्फ्लिक्ट होगा वो भी सुलझाना है तो ये भी तो सोशलाइजेशन है दोस्तों ठीक है इसको हम एडल्ट सोशलाइजेशन बोलेंगे द एम ऑफ एडल्ट सोशलाइजेशन इज टू ब्रिंग चेंज इन द व्यू ऑफ द इंडिविजुअल एडल्ट सोशलाइजेशन इज मोर लाइकली टू चेंज ओवर्ट बिहेवियर वेयर एज द चाइल्ड सोशलाइजेशन मोर द बेसिक ओवर बिहेवियर मतलब हो गया आपका जो क्या एक्सपेक्टेड क्या है क्या करना चाहिए वो सारी चीज़ों को चेंज करता है फॉर एग्जाम्पल अब कुवारा जो बंदा है वो घूमेगा इधर उधर कहीं भी रात तक लेकिन शादीशुदा बंदा नहीं घूमेगा वो टाइम से घर आएगा ठीक है अपनी फैमिली को टाइम देगा तो ये सारी बातें दोस्तों ठीक है अगला है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन दोस्तों एंटीसिपेट करना अभी आप वो चीज़ नहीं हो लेकिन आपको पता मैं वो चीज़ बनने वाला हूं उसके लिए आप अभी से सीखना स्टार्ट करते हो

टफन बॉडी लर्न द मैनर्स ऑफ आर्मी पर्सनल लास्ट सोशलाइजेशन हमारे पास री सोशलाइजेशन री सोशलाइजेशन री सोशलाइजेशन का मतलब वेरी सिंपल आपकी जो पूरी जिंदगी सोशलाइजेशन हुई उसके बाद एक बार फिर से आपकी सोशलाइजेशन होगी ये कब होता दोस्तों कि जब आप एक बिल्कुल ही नए एनवायरमेंट में चले गए नए एनवायरनमेंट में चले जाते हो आपकी री सोशलाइजेशन होती है दोस्तों रीसोशलाइजेशन फॉर एग्जांपल के लिए एक अच्छा वाला बंदा जो है मान लो इसने कोई क्राइम कर दिया जेल में पहुंच गया

एज पार्ट ऑफ ट्रांजिशन इन वन लाइफ एक ट्रांजिशन जेल वाली दोस्तों. Such जब एक सोशल रोल हमारी सोसाइटी में जो रोल वो चेंज होता है तो देन उसको यह सारी चीजें करना पड़ेगा दोस्तों इफ इट इन्स एबेंडनमेंट ऑफ वन लाइफ और डिफरेंट फ्रॉम फॉर्मर बट इज इन

थियोरीज ऑफ स्पेशलाइजेशन बहुत सारी थियोरीज है ऑब्जेक्ट रिलेशन साइको अनैलेटिक थियोरी सोशल लर्निंग फंक्शनिस्ट कॉन्फ्लिक्ट लुकिंग ग्लास एंड सोशल सेल्फ थियोरी ठीक है जी चलो जी वीडियो अच्छी लगी मेक श्योर लाइक कर दें कॉमेंट कर दें चैनल को सब्सक्राइब करना तो कर लें चलो थैंक यू हैवे नाइस डे